तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइस आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि जब भी आप सभी लोग अपने फ़ोन में लॉक लगाते हैं यानी कि पासवर्ड डाल के रखते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप उसको रख देते हैं पासवर्ड डाल के, उसके बाद कोई भी बंदा आपके फ़ोन को छूता है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को कुछ इस तरीके से नीचे की ओर लाता है, तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाता है और हॉटस्पॉट को ऑन कर देता है या तो फिर कोई भी सेटिंग कर देता है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप लॉक लगाते हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है और नोटिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है आप इसको कैसे नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, जिसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन को यहाँ पे इस तरीके से नहीं ला पाएगा। तो चलेगा इस मैं आपको बताता हूँ। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन कर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखता है तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है, और यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है आइटम्स शो ऑन द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वैपिंग डाउन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपके फ़ोन में ये जो है वो इनेबल रहेगा नोटिफिकेशन सेट, तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से आना है, मतलब कि बैक आना है, और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को लॉक करके देखना है। उसके बाद आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन को नीचे की ओर डाउन करके देखना है, तो गाइस आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और यहाँ पे बिना पासवर्ड डाले कोई भी आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन को इस तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा। ओके, तो गाइस इसी तरीके से आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। ओके, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।